اپنا فیصلہ دے. اپنا فیصلہ دے. اے بے زبان اصغر یوں اپنا فیصلہ دے. Holy.
सब ने खत्म कर दी यूं शाम की हुकूमत। क्या कहने क्या कहने नब ने खत्म कर दी यूं शाम की हुकूमत। मुट्ठी में खाक लेकर जैसे ने खत्म कर दी यूं शाम की हुकूमत। मुट्ठी मुट्ठी में खाक लेकर जैसे मुझको शाहजादे कुछ काम दूसरा दे। अर्ज़ा को कत्ल कर तेग बोली अब मुझको शाहजादे कुछ का Gracias.
किसी की परछाई भी नहीं है। साहिल, साहिल पे अब किसी की परछाई भी नहीं है, क्या बात है? साहिल पाप किसी की परछाई भी नहीं है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। में जलाने वाले खुद खाक हो गए
خود خاک ہو گئے Thank you.
حسین زینب عباس بن گئی عرش عذاب ہوگا مجا
مجلس کے بعد ماتا کے بعد ماتا فرش عذاب ہوگا مجلس کے بعد ماتا مجلس کے بعد ماتا فرش عذاب ہوگا مجلس کے بعد ماتا Thank you.
कहने, वाह 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 वाह। को जाते जाते रास्ते से लौट आऊ, जन्नत को जाते जाते रास्ते से लौट आऊ, शर्त होगी आवाज कर बना, जाते जाते रास्ते से लौट आऊ, जाते जाते रास्ते से लौट आऊ, जन्नत को जाते जाते रास्ते से लौट आऊ, शर्त होगी आवाज कर बना दे, जन्नत को जाते जाते रस्ते से लौट आऊं, जाते जाते रस्ते से लौट आऊं, लेकिन ये शर्त होगी नबी का पढ़ कर फतवे हुसैनियत पर, कलमा नबी का पढ़ कर फतवे हुसैनियत पर, Yeah.
शरबत में जैसे कोई कुछ जहर भी मिला दे। जन्नत को जाते जाते जन्नत को जाते जाते रास्ते से लौट आऊं। जन्नत को जाते जाते रास्ते से लौट आऊं, लेकिन ये शर्त हो बहुत हूँ घर में फर्श अज़ा बिछा है, मुफ़लिस बहुत हूँ घर में फर्श अज़ा बिछा है, जिंदगी को ले ले और मुझे को ताज़िया दे। मुफ़लिस बहुत हूँ घर में फर्शे अज़ा बिछा है, मुफ़लिस बहुत हूँ घर में फर्शे अज़ा बिछा है, इस जिंदगी को ले ले और मुझे चाहे जो हो साबित कदम रहे साहब, हालात चाहे जो हो साबित कदम रहे साहब, हालात चाहे जो हो साबित कदम रहे साहब, चाहे जो हो साबित कदम रहे साथ, चाहे जो हो साबित कदम रहे साथ, या रब हुसैनियों को ना।
مخلص بہت ہوں گھر میں فرش عذاب بچھا ہے زندگی کو لے لے اور مجھے کو تازیہ دے اے بے زبان اسرار یوں اپنا فیصلہ دے اے بے زبان اسرار یوں اپنا فیصلہ دے اے بے زبان اسرار یوں اپنا فیصلہ دے میں بے سرور دن بھر لکھوں ثنائے سر کو جاتے جاتے رستے سے لوٹ آؤں جنت کو جاتے جاتے رستے سے لوٹ آؤں کو جاتے جاتے رستے سے لوٹ آؤں لیکن جاتے جاتے رستے سے لوٹ آؤں لیکن یہ شرط ہو ہو گئے
देखूं सनाए सर جناب صدر صاحب جو ہے ہمارے ایم ایل سی برجے سنگھ پرنسو صاحب نیتا بھاجپا ان کو لے کر آئے آپ کے سامنے ہندوستان کی مشہور و معروف انجمن انجمن محبان حسین لکھنؤ اور لکھنؤ کے فوراً بعد ہمارے شہر کی جانی مانی انجمن انجمن معصومیا سپاہ اسلام جی اٹھا ہے راہ خدا میں تو نے سب کچھ لٹا دیا ہے محسوس کرنے والا ہر دل تڑپ رہا ہے آپ کے سامنے اصغر انجمن محبان حسین گردن پہ تیر کھا کر برچی لگی جو دل پر تڑپے زمین پہ اکبر بازو کٹا کے سویا دریا پہ شیر حیدر تیرا پرست قاسم پامال ہو گیا ہے ہم لوگوں کے چھوٹے بھائی برجے سنگھ بغیر کیسے زندہ رہے سکینہ خشکی میں چل رہا ہے اب موت کا سفینہ ماتھے پہ آ رہا ہے اب موت کا پسینہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور دم نکل رہا ہے بیڑیوں کا بیمار بوجھ اٹھائے تیرے ہی راستے پر اپنے قدم جمائے اللہ کی رضا میں خاموش سر جھکائے پھولوں پہ چلنے والا کانٹوں پہ چل رہا ہے اس انجمن کے فوراً بعد انجمن معصومیا سپاہ نواخانی وسیمہ جانی کرے گی مصروف غم ہے کب سے یہ کائنات ساری کیسے سرور کم ہو اس دل کی بے قراری ہر زخم سے ابھی تک اس کے لہو ہے جاری صدیاں گزر گئی ہیں مرہم نہیں ملا ہے دیکھیے ہم لوگوں کو کافی زینب ناچا
हम लोगों को बड़ा फख्र मखदूम साडन वालों को होता है और हमारी अंजुमन जाफरी मखदूम साडन को भी। दो मिनट के लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि हमारे बीच में एक हमारा भतीजा सैयद सबीब हैदर सदफ जो इस एरिए का सभासद है और दूसरा हमारा छोटा भाई बिरजेश सिंह प्रिंसू एमएलसी भाजपा, ये दोनों नौजवान हैं और मखदूम साडन के लिए फख्र के काबिल है, बल्कि जौनपुर के लिए, क्योंकि कोई भी काम होता है ख़ास करके हम लोगों का, क्योंकि हम कम हैं, आवाज़ माइक पर हो रही है। अगर आप इनके दरवाजे पे जाते हैं, ना भी जाइए, तो ये बेचारे हमारा काम करते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर आज ये यहाँ पे आए हुए हैं। इनको लखनऊ जाना था, लेकिन हमने सदर और तहसीन से कहा कि आप इनको रोकिए ताकि ये प्रोग्राम देखें, आप दो शब्द भी प्रोग्राम के बारे में बोलेंगे। इसी इमामबाड़े के सामने इनका मकान भी है और जाहिर सी बात है कि साल के 365 दिन में अगर आप 54 इतवार देख लीजिए तो इसमें मजलिस होती है सेवन 40वां या कोई ना कोई की। और सामने इनका मकान, एक बार हमने इनसे पूछा कि प्रिंसु साहब आपको कैसा लगता है, तो इन्होंने कहा कि मुन्ना भाई हम लोगों की आदत पड़ गई है और बहुत अच्छा लगता है, मौला का काम होना चाहिए। हम चाहेंगे कि प्रिंसु साहब अपने हाथों से जो है अंजुमन मोहिबान हुसैन के साबे ब्याज जनाब सूबी साहब को यह दिया दें। हमारे बीच जौनपुर शहर की नाक जनाब बिरजेश सिंह पिंसू साहब तशरीफ रखते हैं। मैं तंजीम के सदर शौकत अली मुन्ना साहब से गुजारिश करूंगा, उनको हदिया दे के उनका शुक्रिया अदा करें। अंजुमन मोहब्बत हुसैन लखनऊ नौ मातम करने जा रही है। नाला बल बे ज़ैनब नाचार हुसैना, नाला बल बे ज़ैनब नाचार हुसैना, नाला बल बे ज़ैनब नाचार हुसैना, नाला बल बे ज़ैनब। देखिए अजान का वक्त हो रहा है, तो भी साहब अजान के बाद आप जो है मैं जनाब अख्तर हुसैन साहब जो इस अजाखाने में अजान देते हैं, हमारी आवाज़ उनके कानों तक जा रही है, तो वो तशरीफ लाएं। जनाब अख्तर हुसैन साहब इस अंजुमन के फौरन बाद जौनपुर की मशहूर व मारूफ अंजुमन मासूमिया सिपान नवाखानी वासी नाजरी करने के लिए तैयार है। लाहौल विला कुवतल।